भाई टाइम हो गया है 8:45 और मेरी इंडोर आउटडोर दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और आज ना दिन थोड़ी सा डल डल सा है मेरे लिए, क्योंकि कल रात को बताया था मैंने कि मुझे हो रहा है पेन, सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे घुटनों में। कल मैंने ये टैबलेट भी खाई थी, मसल रिलीफ की टैबलेट है, और उसके बाद करी मैंने सिकाई, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ से आराम है। थोड़ा सा आराम तो है, तो आज आउटडोर जाके मैंने रनिंग नहीं की, बाकी मतलब वॉक किया है और स्ट्रेचिंग वगैरह ये सारी एक्सरसाइज की है। फिलहाल अभी पी रहा हूँ बनाना शेक, इसके बाद का भी प्लान कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लग रहा फिर से सो जाऊँ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:45, अभी नहाकर मैंने पूजा की है। आज सारा कुछ लेट हो रहा है और उसका रीज़न है मेरी बॉडी में जो पेन हो रहा है वो। अभी फिर से मैंने एक टैबलेट खाई है, सिकाई की है, लेकिन अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ। अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद सोच रहा हूँ जाके दिखाई लेता हूँ यार, क्योंकि इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरे काम भी रुक जाएंगे। और 75 हार्ट तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर एक बार ये चीज़ बंद हो गई तो पता नहीं कब मैं इतनी एनर्जी ला पाऊँगा और कब इसको दोबारा स्टार्ट कर पाऊँगा। तो भाई अब खा रहा हूँ मैं खाना, और खाने में आज सलाद, यहाँ पे है चटनी आंवले की, ये रही सब्जी और रोटी। तो खाना कंप्लीट करने के बाद मुझे जाना है आज बाहर, लेकिन उससे पहले मुझे व्लॉग भी अपना एडिट करना है, अगर वो टाइम से हो गया तो ही जा पाऊंगा। तो भाई 8:30 बजे आज भी व्लॉग हो गया है अपना पब्लिक। तो अगर आप लोग व्लॉग अभी तक नहीं देख रहे हो लॉन्ग वीडियो, तो प्लीज़ जाके चेक करो, उस पर डेली व्लॉग आ रहे हैं मेरे 75 हार्ट से रिलेटेड, ये देखो। तो भाई व्लॉग अपलोड हो गया है, और शाम को मैं जब व्लॉग एडिट करता हूँ या अपलोड करता हूँ तो कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर खा लेता हूँ। आज खा रहा हूँ मैं ये अनार। तो हेल्दी डाइट प्रॉपर चल रही है, सुबह जो मैं खाना भी खा रहा हूँ वो भी घर का ही खा रहा हूँ, घर पे नहीं बनाता हूँ तो मैं बाहर से मंगा लेता हूँ, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी ही आता है। तो व्लॉग अपलोड हो गया है, पानी वाला टास्क थोड़ा बचा हुआ, मतलब 1 लीटर पानी अभी बचा हुआ है, और हेल्दी डाइट भी ले ली, अब थोड़ी देर बाद भूख पड़ेंगे। भाई पैरों में इस कदर दर्द हो रहा है अभी कि बात सिकाई तक आ गई है, अभी गर्म पानी करके सिकाई कर रहा हूँ। एक फिजियो से बात की है, उसने बताया कि आप पहले गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करके देखो, तो उसके बाद भी आराम नहीं लगता तो फटाक से हमारे पास आ जाना। भाई गीता भी पढ़ ली है, और गीता पढ़ने के साथ ही मेरे आज के भी सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। और अभी पैरों में सच में इतना दर्द हो रहा है ना कि अगर ये 75 हार्ट नहीं होता तो मैं आज के आज ही इस चीज़ को ख़त्म कर देता, लेकिन ये 75 हार्ट है इसीलिए हम रुकेंगे नहीं। तो डे 11 को भी कर दिया कट, और इसी के साथ 11 दिन हमारे सक्सेसफुली रहे 75 हार्ट के। तो ऐसा कुछ था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।